कस्बा देवगांव और चेवार पश्चिम ग्राम प्रधानों की मौत के बाद उपचुनाव की सरगर्मी हुई तेज। 6 अगस्त को मतदान के लिए 8 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लालगंज ब्लॉक की 2 महिला ग्राम प्रधानों की मौत के बाद होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ग्राम सभा के कुल 8 प्रत्याशियों ने आज सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। चेवार पश्चिम और कस्बा देवगांव की रिक्त हुई दोनों सीटों के लिए मतपत्र वितरण का काम 18 जुलाई से आरंभ हुआ था। 22 जुलाई को नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के क्रम में कस्बा देवगांव से अनीस कुरैशी पुत्र मोहम्मद इस्लाम, नाहिद पत्नी शादाब, पूर्व ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद पुत्र स्वर्गीय हरि प्रसाद, जीत नारायण मौर्य पुत्र सूर्यनाथ मौर्य और चंद्रकला पत्नी जीत नारायण मौर्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी तरह चेवार पश्चिम में सरोज पत्नी कांता, पूजा पुत्री रामफेर और ममता पत्नी हरि प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें 23 जुलाई को नामांकन पत्र की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 24 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा और 6 अगस्त को मतदान और 8 अगस्त को मतों की गणना की जाएगी। विदित होगी कस्बा देवगांव ग्राम प्रधान सुफियाना पत्नी अनीस कुरैशी की मौत के बाद कस्बा देवगांव और सुशीला पत्नी रामफेर की मृत्यु के उपरांत चेवार पश्चिम में उपरोक्त उपचुनाव हो रहे हैं। यद्यपि 1 वर्ष से कुछ अधिक समय का कार्यकाल ही शेष बचा है जिसके लिए उपचुनाव हो रहा है, लेकिन दोनों गाँव में चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी देखी जा रही है। इस संबंध में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।